नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का किरीट स्टूडियो की ओर से मैं गौरव कुमार पाठक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ हैं हमारे जिले के एक उदयमान युवा कवि, जिन्होंने बहुत ही कम दिनों में साहित्य क्षेत्र में एक मुकाम बनाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनुराग कुमार का। तो आइए मिलते हैं अनुराग कुमार जी से और सुनते हैं उनकी सफलता की कहानी, उनकी जुबानी। अनुराग जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले डॉक्टर रोशन कुमार सर को और इसके भी स्टूडियो को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को भी इस मंच पर लाने का प्रयास किया उन्होंने और इस मंच पर ला के इतना सम्मान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, आपका बहुत बहुत आभार। हम चाहे आज युवा कवि के रूप में सब जान रहा है आपको, जो दर्शक आपको यहाँ से देख पा रहे हैं, मैं चाहूँगा उनसे अपना परिचय साझा करें। जी, मेरा नाम अनुराग कुमार हुआ। मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं, उनकी इनकम जो है वो 8 से 9 हज़ार रुपये प्रति माह है। हमारे परिवार में कमाने वाले एकमात्र व्यक्ति मेरे पिताजी ही हैं और मेरे भैया हैं जो एक इंजीनियर हैं, दिल्ली में वो जॉब करते हैं। हमारी पारिवारिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं रही है। जी, हमारी पारिवारिक स्थिति बहुत गरीबी में बीती है। मेरे पिताजी एक प्राइवेट शिक्षक थे। मेरा जन्म बरौनी में हुआ, मेरी बचपन की पढ़ाई बरौनी में ही हुई और जब मैं युवा अवस्था की ओर बढ़ा, 7th में जब मैं था तो मैं वहाँ से बेगूसराय की ओर शिफ्ट हुआ। जी, जब मेरे भैया यहाँ पे पढ़ते थे बेगूसराय में जीडी कॉलेज में, तब यहाँ पे हमें आना पड़ा क्योंकि मेरे भैया को यहाँ पे रहने में थोड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि वो अकेले कभी रहे नहीं थे। जी, तो हम यहाँ पे आए तो वो दिन जो था काफ़ी वो गरीबी का दिन था, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं कि जब एक इंजीनियरिंग फील्ड में जब कोई बच्चा जाता है साधारण परिवार का, तो हमारे परिवार में कमाने वाले व्यक्ति में हमारे पिताजी ही थे। सारा घर का वही थे। तो हमारे पिताजी एक प्राइवेट शिक्षक हैं, तो प्राइवेट शिक्षक को ₹7,000-8,000 रुपए प्रति माह आती थी, तो उसी में हम लोग तो मेरे भैया जब इंजीनियरिंग में गए थे वहाँ पे, तो आप जानते हैं इंजीनियरिंग में तो 2-3 लाख रुपए लगते हैं, तो मेरे पापा ने उस समय को कैसे काटा और हम लोगों ने उस समय को कैसे झेला, ये अभी भी मुझे याद करते हुए मैं थोड़ा सा भावुक हो जाता। अच्छा, कहीं ना कहीं जीवन संघर्ष उस समय काफी कठिन समय रहा आपके लिए। अच्छा, अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में चाहूंगा अगर मुझे बताइए। जी, मेरी पढ़ाई मैं 10th जो है विकास विद्यालय से पास किया हूँ। उसके बाद मेरी इंटर से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई हुई है गणेश दत्त महाविद्यालय बेगूसराय से हुई। और मैं चाहूंगा कि जिस गणेश दत्त महाविद्यालय में एक होनहार छात्र के रूप में कई बार आपको सम्मानित किया गया है विभिन्न विधाओं में, मैं चाहूंगा अपने उपलब्धियों को जो दर्शक आपको यहाँ से देख पा रहे हैं उसे साझा करें। जी, मैं जब 2011 में मैंने जब 10वीं की परीक्षा पास की थी, मैंने 10वीं में मुझे 80% मार्क्स थे, मैं विकास विद्यालय का प्रोडक्ट रहा हूँ। जब मैं 12th में आया तो मेरे मन में चुनौतियाँ थी कि मैं बिहार बोर्ड में कैसे एडजस्ट कर पाऊंगा, क्योंकि मैं CBSE बोर्ड का स्टूडेंट था। तो मेरा सिलेक्शन जीडी कॉलेज में हो गया था, टॉप 50 में मेरा स्थान था, तो मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। तो मेरा एक ही सपना था कि मैं एक दिन ऐसा मैं बनूँ ताकि मुझे जीडी कॉलेज जाने, सभी शिक्षक मुझे जाने और मुझे एक अलग सम्मान मिले बेगूसराय जिले से। तो जीडी कॉलेज उस कड़ी ने मुझे बहुत बड़ा योगदान दिया। सबसे पहला ब्रेक थ्रू मुझे जीडी कॉलेज में मिला था, जब वहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा था, हमारे सपने क्या है, नारी सशक्तिकरण का एक प्रोग्राम चल रहा था। तो वहाँ पे सबसे पूछा जा रहा था कि आपके सपने क्या है, तो एक बॉक्स था उसमें सब अपने सपने लिख रहे थे। तो एक कंपटीशन था, नेक्स्ट डे ऐसे कंपटीशन था। तो जब ऐसे कंपटीशन हुआ तो उस कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंस हुआ था। जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो उसमें 2nd पोजीशन मेरा ही था, तो बहुत खुशी हुई। तो मुझे उस समय बहुत खुशी हुई, मुझे रोल नंबर भी याद है। उस समय आपको शैलेश सर थे जो NCERT के वहाँ थे, वो भी थे वहाँ पे, वो 1st 2nd नाम जब मेरा आया तो मुझे इतनी खुशी हुई। रोल नंबर 827 ISC अनुराग कुमार, मेरे और भी कलीग्स थे वहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा सीना चौड़ा हो गया कि फर्स्ट बार जीडी कॉलेज में और मुझे नाम लगाने का मौका मिला। और उसके बाद फिर आगे बहुत और कई बार हमारी भेंट भी आपके साथ हुई। जी, मुझे याद है जब आप 12th में थे तो हमारी भेंट हुई थी युवा महोत्सव में। जी, और आरके कॉलेज मनवानी। जी, और मुझे काफ़ी खुशी है कि आज हमारे साथ आप मन साझा कर रहे हैं। अनुराग, इसके अलावा भी बहुत सारे पुरस्कार आपको जो मिले हैं, मैं चाहूँ उसके बारे में भी। देखिए, जब
मैं बताना चाहूँगा आपको कि हमारे गणेश महाविद्यालय में बहुत सारे बहुत विद्वान शिक्षक हैं, वहाँ पे स्टूडेंट वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। तो मेरा जो नजरिया था कि मैं सिर्फ फिजिक्स डिपार्टमेंट से ही लगाव नहीं रखूँ, मैं हर एक डिपार्टमेंट के शिक्षकों से कुछ ना कुछ सीखूँ और उनसे आशीर्वाद लूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं हर डिपार्टमेंट जेपी शर्मा सर पॉलिटिकल साइंस के, जो हमारे आदरणीय जेपी शर्मा सर इंग्लिश विभागाध्यक्ष, प्रोफेसर कमलेश सर, अंजनी सर और उर्दू विभागाध्यक्ष सहरा फिरोज मैम, हिंदी के आपके उस समय के हम जो हेड हुआ करती थी वो खेलिया मैम, और राजेंद्र सर, विपिन सर, ये सब जिससे काफी लगाव रहा। जी काफी लगाव रहा। प्रतियोगिताओं में आपने उन लोगों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जिसकी वजह से मैं जीडी कॉलेज में इतने अच्छे पोजीशन पे आता है। और कई बार आपको जीडी कॉलेज में बेस्ट वॉलंटियर का पुरस्कार मिला, आपको आपके विभाग में भी अच्छे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए आपको विभाग के द्वारा भी पुरस्कार मिला, इसके बारे में चाहूँगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं अपने डिपार्टमेंट के गुरुदेव हमारे आलम सर, उपेंद्र सर और एसएसपी सर को प्रणाम करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आपकी पहचान आपके डिपार्टमेंट से होती है। तो फिजिक्स डिपार्टमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव था और बहुत ज़्यादा प्रेम मिला, उसके लिए मैं सभी गुरुदेव को नमन कर धन्यवाद देना चाहूँगा। और जितने भी मेरे गुरुदेव हैं जिन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया जी कॉलेज में इतना आगे बढ़ने के लिए, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। सबसे मेरी जो पहली शुरुआत हुई थी 2012 में, यहाँ पे एक युवा महोत्सव से पहले एक हुआ था आपको जी कॉलेज में स्थापना दिवस समारोह से पहले एक जी एन पांडे प्रतियोगिता हुई जी, उस प्रश्न के द्वारा जी जी उस प्रतियोगिता के बारे में मुझे अंजनी सर, सहारा फिरोज मैम, कमलेश सर और भी जेपी शर्मा सर, इन सबों के द्वारा पता चला। तो उन लोगों ने मुझे उस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए कहा। तो मैं जब उस प्रतियोगिता में गया तो डिबेट, उस प्रतियोगिता में चार विषय होते हैं, डिबेट होते हैं, आंसू भाषण होते हैं और शुद्ध हिंदी लेखन, शुद्ध अंग्रेजी लेखन होते हैं। तो मैं चारों विभागों में भाग लिया। तो मुझे किसी एक विभाग में, किसी एक कंपटीशन में मुझे एक सेकेंड प्राइज आया था। तो मैं जब प्राइज लेने गया था तो सर मुझे अनाउंस कर रहे थे, लड़का रेगुलर क्लास करता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं पहली बार उस टाइम 2012 में जीडी कॉलेज में प्राइज लेगा, प्रथम वर्ष था जीडी कॉलेज का फर्स्ट प्राइज। उसके बाद हर वर्ष दिवस का जीडी कॉलेज का स्थापना वर्ष जो आपका प्रथम उस वर्ष आपका प्रथम वर्ष था जी, और जीडी कॉलेज का स्थापना वर्ष था वो, और उसमें आपको पुरस्कार मिला पहली बार। उसके लगातार जितने भी जीडी कॉलेज के स्थापना वर्ष जब तक आप रहे कॉलेज में, लगातार चार साल आपको डिबेट में फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया। मैं अपने आप को गर्वान्वित महसूस करता हूँ, मुझे पक्ष और विपक्ष दोनों में प्रथम पुरस्कार मिला है गणेश महाविद्यालय बेगूसराय के स्थापना दिवस के। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे भी बहुत खुशी है कि हम लोगों में काम प्रतिस्पर्धा हुआ करता था और आज हम लोग एक साथ हैं। हमारी बहुत शुभकामनाएं आपको कि निश्चित रूप से आपने याद है कि हम जिसमें हम लोग वहाँ पे रहते थे, तो हम थे, केशव जी थे और आप थे और भी बहुत सारे स्टूडेंट के थे, पुरुषोत्तम जी, हम लोग के बीच में एक कंपटीशन का भाव आता था, वो भी एक दौर था। और साहित्य से भी काफी जुड़ाव रहा है आपका, तो मैं चाहूंगा इसको लेकर कि साहित्य से जुड़ाव का क्या कारण है, यानी क्योंकि साहित्य को लेकर इतना क्यों गंभीर है आप? जी साहित्य को लेकर मैं इसलिए गंभीर हूँ क्योंकि मैं साहित्य की शुरुआत मेरी हुई थी। मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये 2012 की ही बात है, जब वहाँ पे 2013 की बात है जब वो एक मैगजीन छपती है स्वर्णभूमि जी, स्वर्णभूमि पत्रिका जो छपती है वर्ष में एक बार छपती है। तो मुझे पता चला सरपुर मैम, अंजनी सर, राजकुमारी खेरिया मैम समय की जो थी, उन लोगों ने मुझे बताया कि उससे आपका रचित रचना मुझे है। तो मेरी पहली पोएम थी तो जल्दी, तो मैंने उस पोएम को वहाँ पे डाला। तो सब लोगों के आशीर्वाद से मैम, अपुन मैम और ये सब के आशीर्वाद से मुझे उस पोएम को, वो स्वर्णभूमि में उस पोएम को जगह दिया गया जी, जगह दी गई। और इंटर मेरा इंटर में मैं उसमें था, इंटर सेकेंड ईयर में था, मेरा फर्स्ट पोएम था वो इंटर सेकेंड ईयर में। तो वो वहाँ से मुझे एक अच्छा लगा, वहाँ से थोड़ा कुछ चंद पंक्तियाँ, अगर आपका जो प्रथम पोएम था उस आपको याद हो तो बोझिल सांसें हर धड़कन पर बेबसी, यह तो नहीं जिंदगी। बहुत खूब। एनएसएस के बेस्ट वॉलंटियर रहे हैं जी, तो एनएसएस क्या है, कैसे एनएसएस से जुड़ा हुआ और आपने एनएसएस को क्यों चुना जी?
इसके बारे में तो अच्छी स्टोरी है, क्योंकि मैं जब 2000 एनएसएस, सब जानते हैं कि इंटर के बाद एनएसएस स्टार्ट होता है, जब मैं इंटर किया था तो उसी समय इंटर में ही एनएसएस में जुड़ गया था, इंटर में ही मैं एनएसएस में हो चुका था। उस समय तत्कालीन एनएसएस के ऑफिसर थे अंजनी सर और सहर अफरोज मैम, इन दोनों से मेरा काफ़ी जुड़ाव था, तो इन दोनों ने मुझे एनएसएस में जोड़ा। और एनएसएस में इंटर में जुड़ा तो उस समय एक्चुअली इंटर में एनएसएस शुरू नहीं होता, तो 2013 में मैं इंटर में विधिवत रूप से जुड़ा। तो उसके बाद धीरे धीरे करके 2013 में ही 14 में एक अग्निकांड हुआ था आपको दरियापुर गांव में और रजौड़ गांव में हुआ था, तो वहां पे हम लोग भिक्षाटन करके राहत पहुंचाने का काम किए, तो वो मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस था एनएसएस में, कि मतलब मैंने वहां पे राहत कायदा में मदद किया। और इस एनएसएस के सर्टिफिकेट का आप कंप्लीशन में बहुत महत्व होता है, इसलिए कि मैं एनएसएस में जुड़ा और 2013 से मैं विधिवत एनएसएस में वॉलंटियर में काम करते रहे जी, और काफ़ी लोगों को एनएसएस से जुड़ा दिया जी। 2017-2018 में मुझे एनएसएस का बेस्ट एनएसएस वॉलंटियर अवार्ड मिला था। बिल्कुल बिल्कुल। 26 जनवरी पर मुझे उस समय के प्रतत्न प्रधानाचार्य थे अवधेश कुमार सिंह सर, उन्होंने मुझे सम्मानित किया था। सरफरोज मैम, अंजनी सर, उन सब ने मुझे मेडल पहना के सम्मान किया। हमारी ओर से बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बधाई दी। अभी हाल ही में मैंने अखबार में आपका नाम देखा है बेगूसराय के विषय पर आपने कविता लिखी है और जिसको एक प्रतिष्ठित अखबार ने जगह दिया है और युवा कवि के रूप में आपकी पहचान खबर में आई है, हम चाहेंगे उसके बारे में बताएं। देखिए, हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि वो एक नए दिन उसका नाम हो, और मुझे जीडी कॉलेज से एक अच्छी पहचान मिल चुकी थी। मैं जितने भी गुरुदेव हैं, सभी गुरुदेव ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, इसकी वजह से मुझे बेगूसराय जिले में एक अलग पहचान मिली और एनएसएस ने भी इसका अच्छा योगदान दिया। तो मेरा एक सबसे बेस्ट पोएम था बेगूसराय, तो मैंने उस पोएम को छपने के लिए दिया। जब वो पोएम छपा तो मैंने सोशल मीडिया पर उस पोएम को डाला, तो एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला हमारे सोशल मीडिया पर, करीब बहुत सारे 70,000 के आसपास लोगों ने उसको देखा और कुछ शेयर भी किया लोगों ने। बिल्कुल, बेगूसराय पर, और हम सभी बेगूसरायवासी हैं जी। मैं बेगूसराय दिनकर जी की धरती रही है, राष्ट्र कवि दिनकर जी की धरती है, तो मैं चाहूँगा कि बेगूसराय के बारे में कुछ आपको बताऊँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहेंगे हमारे दर्शक आपको देख पा रहे हैं दिनकर जी की उर्वर धरती को, और हमें फख्र है कि हम हमारे वंशज हैं दिनकर जी, और उस उनके सानिध्य का लाभ हमें हमारे निवासियों को मिला है। चाहिए जो कविता आपकी है आप दर्शकों से साझा करें। दिनकर जी के बारे में बताना चाहूंगा मैं, हमारे बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय की मांग बरसों से उठ रही है। तो एक हमारे ही महाविद्यालय के एक छात्र थे, उनका नाम था हरेराम जी, उन्होंने एक गाना गाया था, तो इस केवी स्टूडियो के माध्यम से मैं दिनकर विश्वविद्यालय का मुद्दा भी उठाना चाहूंगा। मैं दो लाइन उस पंक्ति को बताना चाहूंगा। पीजी पीएचडी करे खातिर दरभंगा नहीं जाइबे, अरे बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय बनबइबे। बिल्कुल, अरे बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय बनबइबे। ये हरेराम जी के द्वारा ये गाया गया था गाना, तो मुझे ये केवी स्टूडियो, चूंकि बेगूसराय का सबसे बड़ा बंच है बिहार में एक अच्छा है, तो मैं इस केवी स्टूडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि बेगूसराय में जल्द से जल्द राष्ट्रपति दिनकर जी के नाम विश्वविद्यालय खुलना चाहिए। बेगूसराय शीर्षक है। अलसाया सा यह शहर करवटें बदलने लगा है, अलसाया सा यह शहर करवटें बदलने लगा है, धूल से सने जिस्म को झाड़ पोछ उठ खड़ा होने को बेताब, धूल से सने जिस्म को झाड़ पोछ उठ खड़ा होने को बेताब, शरीर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने वाले रास्तों पर सुबह सुबह स्कूलों और कोचिंग संस्थानों के लिए भागम भाग करते शिक्षक और बच्चे, शरीर के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने वाले रास्तों पर सुबह सुबह स्कूलों और कोचिंग संस्थानों के लिए भागम भाग करते शिक्षक एवं बच्चे, और उनके साथ साथ स्कूटी पर दौड़ती भागती लड़कियां, शहर अचानक ही जवान हो गया जैसे उसने कॉस्मेटिक सर्जरी कराई हो, दोपहर होते होते हर चौक चौराहे पर जाम का अद्भुत संगम,
शहर के हर मोड़ पर ई रिक्शा रिक्शा और ठेले वाले का अद्भुत संगम। शहर के हर मोड़ पर ई रिक्शा रिक्शा और ठेले वाले का अद्भुत संगम। इन सबों के बीच में बेचारे फंसे स्कूली बच्चे और आम व्यक्ति। इन सबों के बीच में बेचारे फंसे स्कूली बच्चे और आम व्यक्ति। घंटों मशक्कत के बाद जाम से मिलता छुटकारा। घंटों मशक्कत के बाद जाम से मिलता छुटकारा। मानो जैसे कोई जंग जीत लिया। यह बेगूसराय है बेगूसराय। यह बेगूसराय है बेगूसराय। जिले में 5 अंगीभूत महाविद्यालय हैं और बेगूसराय संग्रहालय भी है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि है। स्टेशन पे दोनों ओर फ्लाई ओवर का होना एक अद्भुत एहसास कराता है। स्टेशन के दोनों ओर फ्लाई ओवर का होना एक अद्भुत एहसास कराता है। यहाँ बड़ौनी रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, थर्मल पावर स्टेशन जैसे प्रमुख कारखाने हैं तो सिमरिया, कूलघाट, कावर पक्षी विहार, जमंगलागढ़, हरिगिरी धाम, नौलखा मंदिर, नमक सत्याग्रह स्थल जैसे पावन दर्शनीय स्थल भी हैं जो पूरे जिले वासियों को गौरवान्वित महसूस कराती है। बस एक ही चीज की कमी है, हम बेगूसराय वाले को एक ही चीज की कमी है कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम पर विश्वविद्यालय नहीं है यहाँ पर। जबकि हमारे बेगूसराय में दिनों दिन छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। हमारे पास संसाधन की कमी नहीं है, बस एक विश्वविद्यालय की कमी है। हमारी डिमांड यही है कि एक विश्वविद्यालय हमें मिले। बस एक ही चीज की कमी है, रामधारी सिंह दिनकर। बिल्कुल बिल्कुल, रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम पर विश्वविद्यालय हमारा अधिकार है और हम सभी चाहते हैं जल्द से जल्द ये अधिकार हमें सबको मिले। अनुराग जी, आप काफी जुड़ाव रहा है समूह से, जो कहीं छात्रों के साथ आपका लगाव, स्वयं सेवक के रूप में भी, ग्रुप लीडर के रूप में भी आपका रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आगे का छात्र राजनीति से कहीं जुड़ने का या इस तरह का कहीं कोई योजना। देखिए, छात्र राजनीति से तो हर कोई जुड़ना चाहता है। छात्र राजनीति मेरे लिए जुड़ना आसान था, मैं छात्र राजनीति में कभी भी जा सकता था, लेकिन चूंकि मैं अपने करियर के प्रति काफ़ी सजग था इसलिए मैंने छात्र राजनीति को नहीं चुना। लेकिन भविष्य में मैं राजनीति में जा सकता हूँ। भविष्य की मेरी जो तैयारी है वो राजनीति से जुड़ा हो सकता है। जी, हो सकता। अच्छा, करियर को लेकर जैसे आपने प्रश्न किया तो करियर को लेकर क्या सोच रहे हैं, आगे करियर में क्या करना चाहते हैं? जी, मेरे करियर में मेरा स्कोप है कि मैं UPSC करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ही उसके उसी चीज़ की तैयारी लगा हुआ था। मैंने MSc फिजिक्स से किया है, मैं अपने बैच का टॉपर भी रहा हूँ MSc फिजिक्स का 16-18 सेशन का, और लगातार मैं इसी चीज़ के प्रति मैं इसकी तैयारी में लगा हुआ हूँ। आप देखिए, ये बहुत शुभकामनाएं, निश्चित रूप से आप सफल हो। जो युवा आपको यहाँ से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि भारत युवाओं का देश है, उन युवाओं को एक युवा के रूप में, एक आइडल युवा के रूप में आपको संदेश देना चाहेंगे? देखिए, युवा जो देख रहे हैं उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि आप कहीं भी रहें, सबसे पहले तो आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। कहीं भी जाए तो सबसे पहले अपना नाम माँ बाप के नाम से जोड़े, उनका नाम रोशन करें। उसके बाद आप जैसे किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसी भी विद्यालय में पढ़ते हैं, तो वहाँ क्लास डेली करें और वहाँ की जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं उससे जुड़े। जैसे कि मैं राष्ट्र युवा दिवस में, युवा महोत्सव में भी 2-3 बार जा चुका, जहाँ पर हमारी मुलाकात हुई है, और बिहार दिवस में भी 2012 में ही, मैं इंटर में ही बिहार दिवस में 2012 में गया था, जहाँ पर हमारी टीम चैंपियन बनी थी। उसके बाद NSS से मेरा लगा हुआ है। NSS भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करता है। तो मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि आप महाविद्यालय से जुड़े, महाविद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधि से जुड़े और अपने अंदर की जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको लाने का काम करें। और आप अन्य युवाओं को भी प्रेरित कर सकते हैं। आप अगर खुद उस चीज़ पर काम करेंगे, आप अगर खुद सफलता पाएंगे तो अन्य युवा भी आपसे प्रेरित होंगे और आप से सफलता पा सकते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। तो हम चाहेंगे कि आप कविता लिखते हैं, कविता गाते भी हैं, तो कुछ कविता हमारे दर्शकों के लिए। मेरी पहचान, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं भी नहीं जानता। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं भी नहीं जानता। बस इतना जानता हूँ मनुष्य हूँ, मानवता मेरा धर्म है। बस इतना जानता हूँ मनुष्य हूँ, मानवता मेरा धर्म है। अनुशासन मेरा कर्म है, विद्या मेरी संस्कृति है,
आचरण मेरी संपत्ति है, दूसरों की मदद करना मेरा कर्तव्य है, बस इतना जानता हूँ, यही मेरी पहचान है। बहुत खूब, बहुत सुंदर। और मैं चाहूँगा बिल्कुल दूसरों का सेवा करना, अपनी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करना हमारा ही मूल धर्म और मूल कर्तव्य होना चाहिए। आप यहाँ आए हमारे साथ विचार साझा किया अनुराग जी, इस केवी स्टूडियो को लेकर आप क्या करना चाहेंगे? मैं केवी स्टूडियो के बारे में कहना चाहूँगा, केवी स्टूडियो एक रोशन सर में नमस्कार करना चाहूँगा, केवी स्टूडियो और रोशन सर के माध्यम से कहना ही चाहूँगा कि केवी स्टूडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो युवाओं को आगे बढ़ने में मदद करती है, युवाओं के अंदर का जो टैलेंट है उसको निखारने में मदद करती है। जो युवा है उसके अंदर का जो चैलेंज है इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद, क्योंकि इस यहाँ के प्लेटफॉर्म पे आने के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पे जाता है तो काफ़ी ज़्यादा लोग इसको देखते हैं, तो ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं रोशन सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हम जैसे व्यक्तियों को भी यहाँ पे आने का मौका दिया, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका, और पुनः हमारी टीम की ओर से, हमारे की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार।